अस्सलामुअलैकुम गाइस, आज ये देखें 5:30 ये टिप तांग तैयार कर रहा हूँ। तो ये देखें तीले मैंने छील लिए हैं, तो ये 2-3 तीले रह गए हैं, ये मैं अभी रेडी कर लेता हूँ। तो चेक करें, बहुत कमाल के तीले बने हैं। बांस बहुत कमाल का था और ये देखें कहीं पे भी वो नहीं है क्रैक, बहुत कमाल का बांस था। तो ये मैंने छीला और बहुत आउट क्लास पतंग बनी है। और तीरा पाना मैंने बनाई है जंगली तीरा, पतंग बहुत कमाल की बनी है। और आप वीडियो पूरी देखना, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि हमारी जो नेक्स्ट वीडियो आने वाली हैं उनके नोटिफिकेशन आपको आ जाएँ। तो आगे आप वीडियो इंजॉय करें और नीचे कमेंट में बताएं वीडियो कैसी लगी, और हमें और भी आइडिए दें कमेंट में कि हम और कैसी वीडियो बनाएं। चलें आगे, आप वीडियो एंजॉय करें। ये गाइस पीछे देख रहे हैं आप, तीरा पड़ा हुआ है, उसकी पैंदी लगने वाली है। तो ये मैं पैंदी का तीला छीन रहा हूँ। और ये जो नीचे तंग पड़ी है ये भी मैंने तैयार किया, ये इसलिए मैंने नीचे रखी है, ये जो गंद ये जो गिर रहा नीचे तीले छीलने का, तो वो उसके ऊपर गिरे वो फिर मैं फेंकाऊँ, गंद ना पड़े। इस वजह से देखें 1.5 तवे भी पड़े हैं, मैं ये मैंने बनाए थे। तो ये लाल वाला जो पड़ा हुआ है इसकी भी वीडियो मैंने बनाई हुई है, वो भी मैंने अपलोड की हुई है, तो वो भी जाके देखें। तो बहुत कमाल की वीडियो उसकी भी है, तो बहुत हैवी वीडियो है, चेक करें जाके और कमेंट में बताना फिर कैसी वीडियो बनी है। ये देखें गाइस, ये अब हमने साफ कर लिया और ये हमारी पतंग जो आज की हमने तैयार की है। इस पतंग में मैंने इस वीडियो में मैंने आपको पतंग बनानी नहीं सिखाई, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बता दूंगा। 5:30 की टाइम था मेरे पास, तो इस वजह से मैंने वीडियो नहीं बनाई। इस वजह से ये देखें पतंग बहुत कमाल की है, छोटे भाई मेरा चेक कर रहा है, पतंग बहुत आउट क्लास बनी है। तीरा पाना जिसको कहते हैं जंगी तीरा। तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, तो क्योंकि हमारी नेक्स्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास आते रहें। जैसा कि ये देखें बहुत कमाल की पतंग है, ये गाइस थोड़ा गंद पड़ गया था, ये हम उठा लेंगे। ये चीज़ें अब मैं आपको ये भी बता दूंगा कौन कौन सी चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। ये देखें गुड्डे हमने सोफ़े के पीछे रखे हुए थे, मेरे पास और भी स्टॉक पड़ा है, वो अलमारी में पड़ा हुआ, तो वो भी निकाल के आपको दिखाएंगे किसी दिन। ये गुड्डे मैंने खुद बनाए थे, तो पेचे किए थे इनके साथ, इन्होंने गुड्डे काटे थे, गेम में उड़ाए थे। तो ये लाल गुड्डा जो पड़ा हुआ है, ये इसकी वीडियो मैं लिंक दे दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।